बहुत सारे दोस्तों के ये शिकायत रहते हैं कि वो जितना भी खाए लेकिन उनके शरीर में नहीं लगता, वो पतले के पतले ही रह जाते हैं। इसे ठीक करने के लिए वो मेडिसिन या सप्लीमेंट पाउडर को यूज़ करते हैं, लेकिन जब तक वो लेते हैं तब तक तो ठीक है, वेट गेन होता है, लेकिन जैसे ही लेना बंद कर देते हैं वेट घटने लगते हैं और वो लोग उन सारे प्रोडक्ट्स को या सप्लीमेंट्स को खराब या फेक समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों सभी प्रोडक्ट खराब नहीं होते, हर एक सप्लीमेंट को लेने का एक सही तरीका होता है, सही समय होता है, जो प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले आपको ज़रूर पता होना चाहिए, तभी आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। ऐसे ही एक रिजल्ट ओरिएंटेड मादगिना के बारे में आज के वीडियो में जानकारी देंगे और ये दूसरे मादगिना से क्यों अलग है, इसमें डिफरेंस क्या है और मादगिना को मिल्क के साथ यूज़ करें या सिर्फ वाटर के साथ मिला के पिए, कब तक यूज़ करें, डोसेज कितना है, अगर मैं कुछ टाइम के बाद इसको लेना बंद कर दूं तो क्या मेरा वेट गेन बरकरार रहेगा, वेट लॉस तो नहीं होगा। भाई लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, तो जो लोग पतले हैं, हार्ड गेनर है, वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, नहीं तो आप लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिस कर जाओगे और आपको दोबारा कमेंट में पूछना पड़ेगा, तो अंत तक बने रहो। तो पहला सवाल है, हम ओसा मादगिना क्यों चूज़ करें, मार्केट में तो बहुत सारे मादगिना अवेलेबल है, इसे क्यों लें। तो पहला पॉइंट है इसका इंग्रेडिएंट्स। ज़्यादातर सस्ते गेनर में प्रोटीन सोर्स के लिए सोया प्रोटीन या किसी सस्ते सोर्स का यूज़ किया जाता है, सिंपल कार्ब्स उसमें भरे हुए होते हैं और साथ में हाई शुगर एंड बैड फैट्स इंक्लूड रहते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपको 100 ग्राम के सर्विंग में 4 से 5 ग्राम ही प्रोटीन मिलता है और वो भी चीप सोर्स से, बाकी कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर उसमें भरे हुए होते हैं। हाँ, कैलोरी आपको मिल जाते हैं, 1200 या 1500 कैलोरी आपको मिल जाएगा, इससे आपके वेट गेन तो ज़रूर होगा लेकिन पेट गेन भी होगा, बॉडी में फैट्स भी बढ़ेगा, तो इसको मास गेनर या वेट गेनर ना बोल के आप पेट गेनर कह सकते हो, राइट। बट ओसा मास गेनर में आपको कार्ब एंड प्रोटीन का सही रेशियो मिलेगा, 3:1 के रेशियो है, जो वेट गेन के साथ साथ आपके मसल गेन करने के लिए भी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। पर 100 ग्राम के सर्विंग में 24 ग्राम क्वालिटी प्रोटीन आपको मिलेंगे, इसमें स्लो एंड फास्ट रिलीजिंग प्रोटीन आपको मिल जाएगा, होए प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, होए आइसोलेट, होल मिल्क पाउडर एंड स्किम मिल्क पाउडर का सही कॉम्बिनेशन इसमें मौजूद है। 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इसमें आपको मिलेंगे, 0 एडेड शुगर एंड 420 कैलोरी, जो आपको कैलोरी सरप्लस में ले जाने के लिए बहुत ही हेल्प करेगा और तेजी से आपके वेट गेन भी होगा। दोस्तों बहुत सारे लोगों के गेनर को लेकर एक शिकायत हमेशा रहते हैं कि गेनर को लेने के बाद उन लोगों को भूख नहीं लगते, तो 5 से 6 टाइम वो फूड कैसे इंटेक करे, उसको ब्लोटिंग फील होता है या डाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू होने लगते हैं। बट ओसा मास गेनर में आपको 500 mg डाइजेस्टिव एंजाइम का ब्लेंड मिलेंगे, सो आप जो भी खाओगे सभी आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा और इससे आपके बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेंगे ग्रो होने के लिए। 1 ग्राम क्रिएटिन भी मिलेंगे, जो स्ट्रेंथ को इनक्रीज करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट सवाल है, मिल्क के साथ ऐड करें या वाटर के साथ मिला के यूज़ करें। वर्कआउट के बाद आप इसको सिर्फ और सिर्फ वाटर के साथ मिला के ही यूज़ करें, मिल्क के साथ ऐड करने से ये स्लो डाइजेस्टिव हो जाता है, तो वर्कआउट के बाद वाटर में मिला के ही यूज़ करें, अदर टाइम आप मिल्क के साथ ऐड करके इसे पी सकते हो। अगर आप लोग मादगिना यूज़ करने की सोच रहे हो तो कम से कम आपको 3 से 4 मंथ यूज़ करना ही पड़ेगा और 3 सर्विंग से ज़्यादा एक दिन में यूज़ ना करें। साथ ही गेनर को एक प्रोटीन शेक की तरह ही यूज़ करें, मतलब गेनर में आप ओट्स, बनाना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हो, इससे आपको कोई भी डाइजेस्टिव इशू कभी नहीं होगा और गेनर को छोड़ने के बाद आपके वेट जल्दी से नहीं गिरेगा, क्योंकि आप सिर्फ गेनर पे डिपेंड नहीं कर रहे हो, राइट। नेचुरल फूड्स एंड सप्लीमेंट का यह बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जो साइंटिफिकली प्रूवन भी है। गेनर छोड़ने के बाद इसी कॉम्बिनेशन को अगर आप यूज़ करेंगे तो गेनर को छोड़ने के बाद भी आपका गेन बरकरार रहेगा। और भाई लोग, वर्कआउट तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर जिम नहीं जा सकते हो तो कोई बात नहीं, आप पार्क में दौड़ लगाओ, स्क्वाट, पुशअप, चिन अप या लंजेस वगैरह आप कर सकते हो, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज आपको करना ही पड़ेगा।
और हाँ, एक बात ध्यान में जरूर रखना, 40 से 60 मिनट से ज्यादा जिम में वर्कआउट मत करो। और भाई लोग, कोई भी सवाल हो या सुझाव हो, कमेंट में आप जरूर पूछ सकते हो। हर सवाल का, हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में दिया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।